तो आई कैन समन अ गॉड की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। ये क्रिएचर को हराने के लिए हमारे मेकटर ने गॉड को समन किया था शेन, जिसका नाम था वाते। हमारे मेकटर को बचाकर अपोनेंट को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। जियो देख के पब्लिक भी दीवानी को, माई गॉड यार ये आदमी है कौन जिसने एक ही अटैक में अपोनेंट को यहाँ पे हरा दिया। हमारा मेकटर कहता भाई ये मेरा समन किया हुआ गॉड यहाँ पर है जिसका नाम शेन यहाँ पर है, बलवान है, मैंने इसकी मांगा पड़ी थी, ये अपने मांगा का मेन हीरो, हमको पता है इसका समन किया। जितने भी गॉड से डेमोन होते हैं वो सब ना सब चाइना के किसी ना किसी कहानी के करेक्टर होता है, या तो मेन करेक्टर या तो साइड करेक्टर। उसके बाद वो सामने आता और कहता बोलिए राजा जी अच्छा लगा ना मैं। हमारा मेन करेक्टर कहता या बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अब मुझे अंदर जाना चाहिए। तो पीछे साइड एक बड़ा सा खाई था जिसके अंदर हमारा मेन करेक्टर जाना चाहता था, तो जैसे जाने वाला था अंदर से कुछ तो यहाँ पे आ रहा था जो डायरेक्ट हमारे मेन करेक्टर की बॉडी में घुसने वाला था। शेन बीच में बचाने की कोशिश करता, नहीं बचा पाता, जो चीज़ है ना हमारे मेन करेक्टर की बॉडी में घुस जाता है, लेकिन कोई बुरी चीज़ नहीं थी, अच्छी चीज़ यहाँ पे थी। फ्रेगमेंट यहाँ पे था जो हमारा मेन करेक्टर लेने के लिए अंदर जा रहा था, खुद आ गया जिसके द्वारा इसको एक इनहेरिटेंस यहाँ पे मिलेगा। तो हमारे मेन करेक्टर भी लाइक यार ये तो इनहेरिटेंस वाला फ्रेगमेंट यहाँ पर है, और इनहेरिटेंस एक कमाल का शॉर्ट स्किल का था तो मुझे वो सीखना चाहिए, तो दिमाग में आ गया है, बस मुझे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके जितना हो सके उतना जल्दी मास्टर करना है। तो आराम से बैठ जाता है और धीरे धीरे मास्टर करने लग जाता है, और जैसे मास्टर यहाँ पे काटता है वैसे ट्राई भी मारता है और एक चट्टान पर हमला कर देता है, जिससे देख सकते जो चट्टान है चट्टान की धरिया हो जाती है, जो देखो वहाँ पे सारे बंदे हिल जाते हैं। हमारा मेन करेक्टर खुद हिल जाता है, अरे बाप रे इतना भी कमाल का था क्या, और सुनो यार फ्रेगमेंट हासिल करने के बदले तुमने मुझे क्या बोलते हैं गॉड समन करने का ऑप्शन भी दिया है, तो चलो यार गॉड समन यहाँ पे कर दो। तो एक और गॉड ये समन कर लेता है, हमेशा की तरह देख सकते हैं मिस्टीरियस सा फोटो बना हुआ है, हाँ लेकिन कोई मॉन्क के फिगर देखने से लग रहा है। उसको हमारा मेन करेक्टर कहता है चलो यहाँ का काम हो चुका, हमको यहाँ से निकल के किसी और एरिया में एडवेंचर करने जाना चाहिए, तो किसी और एरिया के लिए निकल जाता है। अब आते भाई बाहर सर जहाँ पे एल्डर लोग बैठ के सारा कांड देखे जा रहे हैं, उनका ध्यान भी शेन पे जाता है कि आदमी कौन है, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, ऊपर से मिस्टीरियस लग रहा है, इतना इसका नाम है और ये अचानक से यहाँ पर आया, तो ऐसे बंदे को हमको मार के निकाल देना चाहिए। दूसरा बंदा कहता है कि भाई आया है और इसने कोई रूल नहीं तोड़ा, जो जैसे होता है वैसे कर रहा है, देखा जाए तो इसने जब रूल ही नहीं तोड़ा तो इसके निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते लोग कहते हैं क्या बकवास यहाँ पे किया जा रहा है, इसको निकालना पड़ेगा, एक तो भाई बड़ा स्ट्रांग है और ये उसी जून के साथ यहाँ पे घूमे जा रहा है, जून पहले से स्ट्रांग यहाँ पर है, कुछ बुरा हो गया तो। जो सुनते एक लड़की यहाँ पे थी, कहती सुनो तुमको टेंशन किस बात की, वो लोग मिलकर कुछ बुरा या बड़ा ना कर दे, एक काम करती हूँ मैं उनके पास यहाँ पे जाती हूँ, एक नॉर्मल सी पार्टिसिपेट बन के उनके पास ही रहती हूँ, बाई चांस वो लोग कुछ बुरा या बड़ा करने के बारे में सोचेंगे ना तो मैं रोक दूंगी। बोलो कैसा आइडिया लगा। जो सुन एक बंदा कहते कि हाँ यार ये मैडम ने ठीक बोला, ये मैडम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जितने भी बंदे आए ना सारे बंदे लोगों के साथ ये फाइट अकेले भी कर सकती है, तो हम इनको भेज देते हैं। उन लोगों को लगेगा कि भाई हमारी जैसी कोई लड़की है तो वो लोग कोई पहचान भी नहीं पाएंगे, और बाई चांस कुछ लोग गड़बड़ करेंगे तो ये बचा भी लेगी। तो ये भी कहते यानी मुझे परमिशन मिल गया, शुक्रिया बाय, इतना बोलकर ना वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है, यानी डिसअपीयर होकर वो अंदर साइड चलाती है। अब आते हमारे मेकअप प्लस उसकी टीम की ओर, दो दिन का टाइम यहाँ पे गुजर चुका है। हमारे मेकअप ने जिस गॉड का समन किया था मैंने बोला तो पक्का मॉन्क होगा, हाँ तो मॉन्क यहाँ पे था वो भी आ चुका था, और एक दूसरे मॉन्क की लाश यहाँ पे दिखती है जो इसका गला ऐसा लटका हुआ था, उसकी पूरी डेड बॉडी लटकी हुई थी। ये लोग कहते भाई देख के लगता है शायद कुछ ही घंटे पहले इसकी मौत यहाँ पर हुई थी, मगर कैसे। हमारा मेकअप अपने मॉन्क से पूछता बताओ यार ये मॉन्क जिसको गले में लटका के मारा गया है तुम्हारा डिसाइपल था क्या। वो मॉन्क भी कहते दुनिया में जितने भी मॉन्क होते हैं वो सब मेरे सेट के मेंबर या मेरे डिसाइपल यहाँ पे नहीं होते, ये किसी और सेट का मेंबर होगा। तभी एक लाल बाल वाला बंदा कहता है एक सेकंड मुझे याद है यार आते ही मैं इससे मिला था, हमारे बीचों फाइट हुई थी, ये अर्थ स्टेज के अर्थ इमॉर्टल के आठवें लेवल पर है, अच्छा बंदा था स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पे था, अचानक से कैसे मारा गया। हमारा मेन करेक्टर कहता है अर्थ इमॉर्टल के आठवें लेवल के बंदे को भी इतना बेर दिया तरीके से मारा गया, यानी इसके माइंड में जो भी बंदा होगा ना बड़ा कमाल का होगा। उतने में आगे साइड ना कुछ ऐसा अजीब सा डरावना रिएक्शन होने लग जाता है, तो जो शेन है ना वो बीच में आ जाता है और कहता है मालिक टेंशन मत लो हम यहाँ पे बचा लेंगे। मॉन्क कहता संभल के मैं कैसे थोड़ा सा दूर है कि यहाँ से निकलना चाहिए। शेन कहता क्यों डरते क्या सर टकले मॉन्क, टकले मॉन्क भी कहता साले डरता होगा तू, मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। हमारा मेन करेक्टर भी कहता कि यार या तुम दोनों का लड़ाई चालू हो गया शांत हो जाओ लड़ो मत। तो अपना मॉन्क भी कहता या प्रिंस मैं तो आपकी बात सुनने को तैयार हूँ, ये जो लड़का है ना भाई आपका बड़ा चोमू यहाँ पर, इसको तो लगता है दुनिया में सब कुछ पावर होता है, हाँ भाई है तो स्ट्रॉन्ग लेकिन सब कुछ पावर नहीं होता। वो कहता भाई सब कुछ पावर ही होता है, दुनिया में सारे दुश्मन को हरा सकते हो सबकी बैंड बजा सकते हो पावर बेहतर होता है। हमारा मेन करेक्टर भी कहता यार हर बंदे का कल्टिवेशन करा अलग रहता है, हर बंदे की सोच अलग होती है, हाँ तुम्हारे सोच के बारे में मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहूँगा, तो चलो या छोड़ो यहाँ से चलो आगे। हम दो लोग आगे बढ़ जाते, जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते ना वैसे ही ढेर सारी जो भू जैसी चीज़ें हैं ना मतलब भू जैसे दिखने वाली वो अपीयर हो जाती है। तो जैसे अपीयर होती है हमारा मेन करेक्टर डाउट में ये क्या है, तो वो शेन कहता भी क्या है फर्क नहीं पड़ता हमारे दुश्मन ये फर्क पड़ता है, तो मारो सालों को इतना बोल के जो भी तेरा आत्मा या भूत ये उनको खत्म करने लग जाता। उतने में एक एक करके ना और आगे बढ़ रहे थे और हमारे मेन करेक्टर को घेर लेते हैं, हमारे मेन करेक्टर को बचने का मौका नहीं मिलता। लेकिन वो जो एल्डर यहाँ पे थी जो इनके बीच में भाई
ही वही रूप बदल के आ जाती है और बचा लेती है हमारे मेकेटर को और कहती है टेंशन यहाँ पे मत हो, जो कोई बंदा मर जाता है तो उनके जो बचे कुछ आत्मा ना उन्हीं से ये गोश्त यहाँ पे तैयार होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है, मिलकर फाइट करेंगे तो हम लोग बचा लेंगे। तभी शेन कहता हाँ लेकिन यार मुझे लगता है ये सब तो छोटा मोटा है, इनका कोई लॉर्ड या कुछ इंपॉर्टेंट वो जमीन के अंदर यहाँ पर है, कब तक जमीन के अंदर यहाँ पे रहोगे जी, बाहर आओ। इतना बोल के जमीन पर हमला करता है और लिटरली वो भाषण यहाँ पे आ भी जाता है, तो समझो सबका लॉर्ड यहाँ पे था जियाओ जिसका नाम है, जिसको देख सकते गोले में कैद कर लिया जाता है। जो देख के लड़की चौंक जाती जियाओ, जो कि सीरिया का लॉर्ड यहाँ पर इतने सालों से बैंड बजाया जा रहा था, आज इस आदमी ने एक बार में पकड़ लिया गोली के अंदर, वाओ। लेकिन तब एक और हाई लेवल का जो भूत है ना वो इन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो उस भूत पे अटैक करके शेन ना उसको खत्म कर देता है, मार देता है। लेकिन क्या, जो भूत वापस से रीइंटीग्रेट हो जाता है तो ये कहता भी एक तो भाई भूत है, एक तो भी मैंने खत्म ही कर दिया ऊपर से, तो भी ये गोल्डन लेवल का इसके अंदर पावर यहाँ पर है, गोल्डन इमोर्टल लेवल का। जो सुनते ही मॉन्क कहता है भूत जैसे चीजों पर लड़ाई करने के लिए तुम्हारा पावर कम नहीं आएगा, मेरा पावर यहाँ पे कम आएगा, हटो। इतना बोल करे ना मॉन्क अपनी पावर यूज करता है और मॉन्क वाले अटैक करता है, जिसके चक्कर में अबूत कंप्लीटली मर जाता है और लॉर्ड को भी उन्होंने पकड़ लिया था। लड़की भी देख के चौंक जाती है, वो लड़का भी स्ट्रॉन्ग है, जो मॉन्क ने भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाप रे दोनों कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। और उतने में हमारे मेकट के बाजू में खड़ी थी हमारे मेकट को पकड़ के, तो हमारे मेकट भी कहता हो और कितना पकड़ोगी यार, छोड़ दो यार मुझे भी थोड़ा सा अलग होना है। वो भी देखती शिट यार मेरे को तो ध्यान ही नहीं था, तो छोड़ देती हूँ, कहती सॉरी 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 आज अचानक से मैंने कर लिया, मुझे अभी पता नहीं चला। हमारा मेकट कहता चलो जी कोई बात नहीं, कोई बुरी बात इसके अंदर यहाँ पे नहीं है, आपने पकड़ लिया तो पकड़ लिया, लेकिन जरा अपना नाम बताओगे कि आपने तो मेरी जान बचाई है। हमारे मेकट को भी डाउट होता है, डोंट नो ये लड़की कौन है, अचानक से आ गई, मुझे इसका और अभी महसूस नहीं हुआ, और आई डोंट नो कहीं को उसको देख के लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है। वो बता दी कि हाइडी मेरा नाम है, मैं भी तुम्हारी तरह पार्टिसिपेंट हूँ, मैंने पार्टिसिपेट किया था, यहाँ वहाँ घूमे जा रही थी, यहाँ से कुछ आवाज़ आया तो मैं चेक करने आ गई। हमारा मेकट अभी कहता है चलो कोई ना, हाँ तो अभी हम लोग क्या करें, तो बाकी वो दोनों कहते हैं कि शिट यार जगह ठीक नहीं लगती, हमको यहाँ से निकलना चाहिए। हमारा मेकट कहता ओके ठीक है, सुनो हाइडी तुम भी हमारे साथ आओगी क्या? वो तो मनी मन सोचती मैं तो इन पर ही नजर रखने आई थी, इन्होंने खुद ऑफर यहाँ पे दे दिया तो मैं भी इनके साथ यहाँ पे रहती हूँ तो नजर रख पाऊंगी। और तभी ना आसमान में रिएक्शन होने लग जाता है, जीप से और अजीब सी आवाजें भी आती है। हमारा मेकट देखते ये रिएक्शन, ये आवाजें इस दुनिया की इस स्पीड का तो नहीं ना है, सिस्टम में लिखा था बधाई आपको एक मिशन अपीयर हुआ है, जो मिशन में वर्ल्ड की जो स्पीड है ना वो अपीयर यहाँ पे होने वाली है, तो उसको हराना उसको डिस्ट्रॉय करना ही आपका काम यहाँ पर, उसको करोगे ना तो जो भी रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, जो भी बेकार चीजें ना सब यहाँ पे मिट जाएगी। अगर आपने ये मिशन यहाँ पे पूरा किया आपको भाई ड्रॉ मारने का ऑप्शन मिलेगा, गॉड समन करने का भी ऑप्शन मिलेगा, प्लस जो सिस्टम है ना सिस्टम में भी एक नया फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। हमारा मेकट देखता है कि वाह यार ये नया फंक्शन, मुझे इंटरेस्ट लग रहा है कि मुझे ये मिशन करना ही चाहिए अब। तभी बंदे लोग कहते बॉस बोलो ना क्या करे, हमारा मेकट कहते डोंट वरी हमको आगे सफर करना चाहिए। मनी मन सोचते सिस्टम ने तो मिशन दे दिया लेकिन मिशन पूरा करने के लिए मुझे वर्ल्ड स्पीड ढूंढना पड़ेगा, वो एग्जैक्टली कहाँ पर है वो नहीं मिलेगा, तो उसके लिए मुझे एडवेंचर करना पड़ेगा। एडवेंचर करते करते कहीं पे मिल गया तो बस मिल गया और क्या। और हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।